दमदार वफादार वफादार अब्बास का परचम है अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम अब्बास का परचम है अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है ये सारे आजादारों पे जहरा किया था है इस परचम में अब्बास को जैनब की दुआ है इस परचम में अब्बास को जैनब की दुआ है इस परचम में अब्बास को जैनब की दुआ है अब्बास का परचम है अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम अब्बास का परचम है अलमदार का परचम अलमदद शेरे खुदा 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 जब शाह का कोई न मददगार रहा पकते में जवानी ने जरीबी से कहा बाकी जब शाह का कोई न मददगार रहा पकते में जवानी ने जरीबी से कहा अगर की मुझे दीजिएगा शाह होदा लभिले शाह के बाद इसके सिवा मदद शेरे खुदा मदद शेरे खुदा मदद शेरे खुदा मदद शेरे खुदा जुल्म की दश्त बयाबां में भला हुआ निजात कर लिए फिर के कलेजे में लगा जुल्म की दश्त बयाबां में भला हुआ निजात कर लिए फिर के कलेजे में लगा इस गोरे से भी हम शक्ल पैगंबर को भुखी जान से अकबर ने कहा कोई शब्बीर बनाया वरों अकेले में भुखी जान से अकबर ने कहा कोई शब्बीर बनाया वरों दे दो जल्दी से भुखी जान मुझे अलविदा कहता हुआ जैनब सजुकाए हुए बारी दाए पुरनम निकला अलविदा कहता हुआ जैनब मुजतर को चला सामने दहर में हम शक्ल नबी को शब्बीर कनाया वरो अंसार रहा आगे खेमे में भुपी दान से की बल ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ ऐसे बोलो ऐसे बिल्कुल
भैया जान बैठ जाओ। तीन मिनट में